वैसे तो जिंदगी देने और लेने वाला भगवान ही होता है, लेकिन जब आस टूट रही हो और इसी बीच कोई ऐसे मदद कर दे जिससे जिंदगी बच जाए, तो वो हनुमान से कम नहीं हो सकता। बक्सर पुलिस की इस भूमिका की जितनी भी सराहना की जाए कम है, क्योंकि श्रुति नाम की इस लड़की ने कैंसर पेशेंट अपनी दादी की बिगड़ी तबीयत को ठीक करने के लिए अपनी आशाओं के रथ को चारों दिशाओं में दौड़ा चुकी थी, लेकिन दवा कहीं नहीं मिल रही थी। और इधर कैंसर पेशेंट दादी की हालत खराब हो रही थी, ऐसे में नेट पर बक्सर पुलिस एसपी का नंबर मिला और फिर उसने उन्हें कॉल करके पूरी बात बताई, जिसके बाद बक्सर पुलिस एसपी साहब की मदद से बीमार पड़ी कैंसर मरीज की दवा को पटना से मंगाकर दिलवाया गया। वो मुझे मेडिसिन की ज़रूरत थी, तो मैंने गूगल पे यहाँ के एसपी का, बक्सर के एसपी का नंबर सर्च किया, उनको कॉल किया, तो उन्हें सारी बात बताई कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, मुझे दवाई चाहिए, मेरी दादी कैंसर पेशेंट हैं और वो एक दिन भी बिना दवाई के सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अपने कलीग से बोल देता हूँ। उनके कलीग ने मुझसे कंसल्ट किया, मैंने उन्हें सारी बातें बताई, देन नेक्स्ट डे वो पटना गए और उन्होंने मेरी दादी की सारी मेडिसिन लाई और हमें उसी दिन प्रोवाइड करवा दी। श्रुति की माने तो दादी नंदकुमारी कैंसर की पेशेंट हैं और ये कलकत्ता से लॉकडाउन के पहले घूमने के लिए बक्सर आई हुई थी, लेकिन बक्सर में लॉकडाउन में फंस गई। ऐसे में 21 दिनों के लॉकडाउन में दादी की दवा खत्म हो गई। दवा न मिलने की वजह से दादी की हालत बिगड़ने लगी। सबसे बड़ी बात थी कि घर में सिर्फ महिलाएं ही थी, ऐसे में दवा को लॉकडाउन में उपलब्ध करवाना और भी दुश्वार होने लगा। मुझे नहीं लगा था कि इतना हेल्प कभी मिल पाएगा, बट लॉकडाउन के दौरान पुलिस जिस तरह का काम कर रही है वो तो बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है। मतलब पुलिस लोग भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है उन लोगों का, इतना काम नहीं कर पाते हैं, बट इस टाइम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं था जिससे हम लोग दवाई मंगवा पाए, बट यहाँ की पुलिस ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की और हम लोग उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। पुलिस की इस कार्यशैली ने श्रुति जैसी युवाओं में आस जगाई है, वही बक्सर पुलिस एसपी के इस प्रयास के लिए उनकी तारीफ भी हो रही है। बहरहाल लॉकडाउन में पुलिस के इस काम ने उसे हनुमान बना दिया, क्योंकि श्रुति की दादी के लिए ये दवा संजीवनी से कम नहीं थी, और लॉकडाउन में पटना से दवा लाना ये काम कोई हनुमान जैसा ही कर सकता था, ये काम कोई खास व्यक्ति ही कर सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।